तू जान ले इश्क मुर्शिद मेरा। ये क्या कर रहे हो? अरे सफाई कर रही थी, और क्या, बैठो तुम। क्या बात है, काम वाम सही चल रहा है? परेशान लग रहे हो। नहीं, हाँ सब ठीक है। तो फिर क्या परेशानी है? तुम्हारी शक्ल से पता लग जाता है मुझे कि कुछ गड़बड़ है। बताओ भी, अच्छी तरह जानते हो तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। मुझसे भी छुपाओगे? कोई दिल की बात है तो कह दो मुझसे, मेरे अलावा तुम्हारा कौन दोस्त है? नहीं भाभी, सब ठीक ही है, खैरियत है। हाँ वो याद आया, परवीन का फोन आया था मुझे। परवीन की कॉल? क्या कह रही थी, क्यों आई थी उसकी कॉल? ये सब मुझे नहीं पता, बस उसे मना कर देना कि मुझे कॉल ना किया करे। वक्त गुजर चुका है और कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। उसकी इतनी जुर्रत? अरे तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। अरे मैं जाके खुद बात करती हूँ उसे, देखती हूँ उसे। वैसे क्या किस्मत है तुम्हारी, कदर करने वाली औरत ना मिली तुम्हें, वरना मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे जैसा शौहर तो नसीब वालियों को मिलता है। एक वो परवीन कमबख्त पैसे की चमक धमक के पीछे भाग गए, और एक ये है जो पुराने मोहब्बत और इश्क के पीछे सुनिया आज कहीं गई थी बाहर? गई तो थी, पर मुझसे मत पूछना किसके साथ। अरे गुस्सा ना करो, मैं तुम्हारे गुस्से को जानती हूँ, बैठ जाओ। तुम्हें मेरी कसम, बैठ जाओ ना, तुम्हारे गुस्से को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। बस थूक दो, गुस्सा मत करो। क्या फायदा, कोई फायदा तो होने वाला नहीं है तुम्हारे गुस्से से, जो होना है वो तो होगा ना।